जैसे कि ये माइक है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ और सामने गेमिंग कर रहा हूँ या वट एवर पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ या वॉइस ओवर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। और ये आपको बैटरी परसेंटेज भी बता रहा है, विच इज़ अगेन अ गुड प्लस पॉइंट ऑफ दिस यूजिंग दिस वीडियो लाइट। टोटली एडजस्टेबल है तो इसके टूटने के चांसेस भी कम होंगे और आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप पूरा हेडफोन नहीं लगाना चाह रहे अपने कान के साथ में, तो ऐसे आप अपने कान के साथ लगा के भी आप ऑडियो चेक कर सकते हैं। तो मेरा माइक का सेटअप भी इसमें आ गया, इसमें ये म्यूज़िक के साथ भी सिंक हो जाता है और आप इसके ऊपर जैसे टैप करेंगे तो ये कलर भी चेंज करेगा। अभी अगर मुझे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ करनी है तो मैं इसको कमांड दूंगा, यहाँ से अपनी वॉइस कमांड दूंगा, अलेक्सा प्लीज टर्न ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इब्राहिम उड़ाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है बेसिकली मेरे कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में जो रिसेंटली मैंने अमेज़ोन से मंगवाए हैं। कोई बंदा मेरा आ रहा था पाकिस्तान तो आई थॉट के मैं कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लूँ। तो सबसे पहले ये एक मैंने माइक मंगवाया है, ये काफ़ी बजटेड माइक है। इनकी प्राइसिंग और वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ऑर्डर करने का लिंक भी अगर आप अमेज़ोन से ऑर्डर करना चाहते हैं कुछ ऐसा। तो ये नेवियर का माइक है और ये आपके कैमराज के लिए, पॉडकास्टिंग के लिए, वॉइस ओवर्स के लिए भी यूज़ आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके बाद ये इस तरह से, ये ऑलरेडी मैं बोया माइक यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। तो ये माइक किस तरह से हमें कुछ पैकिंग में मिलता है और ये आपका जो है ना एग्जैक्ट माइक है। तो इसको ज़रा अगर फोकस करके दिखाएं तो और ये इसके पीछे 3-पिन कनेक्टर है और ये साइड से भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है और फ्रंट से भी कर सकता है। तो ये इसके अंदर बटन है इसको स्विच करने के लिए रिकॉर्डिंग वगैरह। तो यहाँ पे आई गेस ये, तो इसके साथ एक ये केबल मिलती है। ये अगर आप अपने प्रोफेशनल खोल के दिखा सकता हूँ, ये आपके एम्पलीफायर्स वगैरह और ये जो प्रॉपर स्टूडियो सेटअप्स होते हैं उनमें यूज़ होता है ऑडियो के लिए। ये इसके साथ एक माइक का स्टैंड के ऊपर लगा के होल्डर है, इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से टाइट होगा, ये मैं आपको बल्कि करके भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ था, नॉक्स का ये स्टैंड है, माइक स्टैंड है, इसको ऐसे मैंने ऊपर करके और ये इसके अंदर है। इसके ऊपर पहले लगा हुआ था ब्लू स्नोबॉल आइस, वो उतारा है और अभी ये आप इस तरह से इसके ऊपर लगा सकते हैं। और ये लगा लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि अगर ये टर्न हो जाए, हाँ ऐसे, इसको और ये इसके ऊपर एक आते हैं आपकी ये विंड्स के जो साउंड होते हैं उन चीज़ों को थोड़ा बेटर करने के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और ये ऐसा वो इंटरव्यू वगैरह माइक के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो आप अगर रोड पे चल रहे हैं, आपने किसी का इंटरव्यू करना है, तो उसके लिए भी चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। और इसके अलावा एक एडिशनल भी इन्होंने ये दी हुई है, या डेड कैट बोलते हैं इसको, तो ये भी हम लगा सकते हैं इसकी बजाय। ये एक और स्टैंड दिया हुआ है, ये कैमरे के ऊपर लगाने के लिए है। जैसे ये एक और सेकंड कैमरा मेरे पास पड़ा, मैं इसके ऊपर आपको करके दिखा देता हूँ। या वैसे इसके ऊपर लगा के इसको टाइट करके और इसको
थोड़ा पुश करना पड़ेगा ज़ोर से ये। तो ये आपका ऐसे कैमरा एक बन गया। और इसी सेम माइक को आप अगर अपने टेबल वगैरह पे यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे ये अभी हमने लगाया है ये वाला जो इसका होल्डर है, तो इसके ऊपर हम ऐसे पुश करके, तो ये चीज़ भी इससे पॉसिबल है। इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लेफ़्ट राइट कर सकता हूँ, अप डाउन ऐसे, और ये तो मैं इंसान अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें। ऐसे अब अगर मैंने गेमिंग करनी है या पॉडकास्टिंग करनी है तो उसके लिए मैं इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि ये माइक है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ और सामने गेमिंग कर रहा हूँ या वट एवर पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, या वॉइस ओवर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो डिफरेंट चीज़ें, तो उसके लिए भी माइक बहुत मैंने रिसर्च के बाद ये सबसे बेस्ट बजटेड है। अच्छा, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये इसी माइक्रोफोन के ऊपर रिकॉर्डेड है, और ये इसके नॉर्मल मोड के ऊपर रिकॉर्ड है हो रही है ऑडियो ये। और अभी मैं इसको इसके दूसरे मोड पे स्विच करूँगा जो कि इसका टेली मोड है। ये अभी मैंने इसको इसके टेली मोड पे स्विच कर दिए, तो जो आवाज़ में डिफरेंस है वो आप लोग इसे फील कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग जो इसकी वॉइस क्वालिटी है वो बहुत बेहतर लगी है मुझे। स्टूडियो बेसिकली मैं अपना कंप्लीट कर रहा हूँ, तो उसके लिए ऑडियो के ऊपर सबसे पहले तो आपका माइक होता है, फिर आपने जो ऑडियो रिकॉर्ड की है वो रिकॉर्ड कैसा हुआ है उसको मॉनिटर करने के लिए या एडिटिंग के दौरान आप ये चीज़ें हेडफोन्स के थ्रू मॉनिटर करते हैं। तो ये एक स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन है, डीजेस वगैरह भी यूज़ करते हैं, ऑडियो मिक्सर्स भी यूज़ करते हैं। तो ये वो चीज़ है बेसिकली। ये आई गेस वन ऑडियो कोई ब्रांड है उसका है। और ये मैंने अनबॉक्स किया, लेकिन मैं दोबारा करता हूँ। ये आपको इस तरह से एक बैग में मिलता है, और इसको हम इस तरह से कर सकते हैं अनबॉक्स। अच्छा, इसमें जो एक और मज़े की चीज़ है वो ये है कि ये इस तरह टोटली एडजस्टेबल है, तो इसके टूटने के चांसेस भी कम होंगे और आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप पूरा हेडफोन नहीं लगाना चाह रहे अपने कान के साथ, तो आप इस तरह से एक पकड़ के इसको बैक में, तो ऐसे आप अपने कान के साथ लगा के भी आप ऑडियो चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ रियली गुड फीचर ऑफ दिस हेडफोन। और साइज़ वाइज अगर बात करें तो वो भी लाइक इसके जो स्पीकर्स का वूफर्स का साइज़ है वो भी अच्छा है, और आप इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें एक और जो मज़े की चीज़ ये है कि ये हेडफोन लगाते हुए जो मुझे बाहर का साउंड है या नॉइस है वो नहीं आ रहा, इसकी ग्रिप अच्छी है और ये दर्द नहीं कर रहा कहीं से भी मेरे कान। अभी फ़िलहाल तो नहीं कर रहे, लेकिन आई गेस शायद अगर ज़्यादा टाइम के लिए लगाया जाए तो हो सकता है, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बाहर का इन्वायरमेंट मुझे बिल्कुल सुनने को नहीं मिला इसमें। और इसमें ऑडियो शेयरिंग की भी एक ऑप्शन है, और इसमें दो जैक्स हैं, एक आपका नॉर्मल जो है वो वाला है, जो आपकी एक ये वाली ये इसकी वायर है एक, तो ये हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं, और दूसरी हम अपने पीसी या मोबाइल जिसमें भी हम लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। सेकंड इसके साथ जो वायर आती है वो आपकी ये वाली वायर है, ये अगेन बड़ा कनेक्टर है इसका ये वाला, तो ये आप इसमें लगा सकते हैं और आगे से, या सॉरी ये इसमें नहीं, इसमें भी लग सकते हैं, और अदरवाइज़ अब मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये इसमें लगा के आप दूसरे अपने जो आपका साउंड सिस्टम है उसमें भी आप इसको प्लग इन कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। और इसमें ऑडियो शेयरिंग की जो ऑप्शन होती है वो आई गेस इस तरह का एक और हेडफोन होगा, तो आप ये वायर से उसको दूसरे हेडफोन में कनेक्ट करें और जो साउंड एक कंप्यूटर पर आ रहा है वही दूसरे पर भी, एक हेडफोन में आ रहा है वही दूसरे में आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत मज़े का फीचर है इस हेडफोन का। ये मैंने ये विल्ट्रॉक्स की लाइट ऑर्डर की है, इसके साथ इसकी जो है चेक करते हैं। अच्छा, इसमें भी मज़े की चीज़ ये है कि इन्होंने इसका वो दिया हुआ है, माउंट दिया हुआ है, इसको हम कैमरा पे या किसी भी चीज़ पे माउंट कर सकते हैं।
दिस इज़ गुड, और ये एडजस्टेबल भी है, मतलब इसको आप टर्न भी कर सकते हैं। तो ये इसका माउंट है, ये इसकी बैटरी है, मैंने बैटरी के साथ ऑर्डर किया था क्योंकि जब आप आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो आपके पास सप्लाई नहीं होती या इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू होता है, तो ये बैटरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आउटडोर लोकेशन में शूट करने में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपके पास कोई प्लग अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत मज़े की है। और इसकी बैटरी भी काफ़ी बड़ी है, कुछ छोटी बैटरी नहीं है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा बैटरी टाइम ये देगी। और टाइप सी की इसकी केबल है, और ये एक और प्लस पॉइंट है इस लाइट का के और इस बैटरी का, कि हम इसको किसी भी टाइप सी के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, या हमारा जो एक नॉर्मल चार्जर है मोबाइल का चार्जर उससे चार्ज कर सकते हैं, हमें अलग से एक चार्जिंग केबल इस लाइट के लिए कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लाइट है इटसेल्फ, ये बैक से इसकी लुक है, इसमें आई गेस यहाँ पे वो भी लग सकता है जो, अगर आपको पावर के साथ इसको ऑन करना है तो आप इसको यहाँ पे अडाप्टर लगा सकते हैं, इसका पावर अडाप्टर लगा सकते हैं। ये इसकी ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट के लिए, और ये ऑन ऑफ बटन है इसका, ये इसका फ्रंट है। तो मैं इसमें बैटरी लगाता हूँ, ये ऐसे इसमें ये नीचे दो पिन्स हैं और ये बैटरी के नीचे दो पिन्स हैं, तो हम इनको ऐसे ऊपर करके और फिर ऐसे स्लाइड करेंगे। तो अच्छा, ये लाइट है, अब ये काफ़ी ब्राइट है, जैसे अगर मैं चेयर पे लाइट डाल लूँ तो यहाँ से मैं इसकी लाइट कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, और ये आपको बैटरी परसेंटेज भी बता रहा है, विच इज़ अगेन अ गुड प्लस पॉइंट ऑफ दिस यूजिंग दिस वीडियो लाइट। और इसमें आप लाइट की इंटेंसिटी भी, आप इसको वार्म लाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप जो आप कूल लाइट यानी कि वाइट लाइट है और येलो लाइट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से लाइट का टेम्परेचर एडजस्ट हो सकता है। आपको मैं पहले इसकी ब्राइटनेस फुल करता हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। इस तरह से आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर रहे हैं अभी, और एक दफ़ा इसको प्रेस करेंगे तो ये टेम्परेचर एडजस्टमेंट पर आ जाएगा। तो जब जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये लाइट को येलो कर रहा है और वाइट कर रहा है, बस अगर फ्रंट से दिखाऊं तो ये आप अपने जो रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं, और ये पीछे इसकी एक स्क्रीन भी इन्होंने दी हुई है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी लाइट की सेटिंग करने में और आपको लाइट का बैटरी को मॉनिटर करने में और इन चीज़ों में। तो ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है और इट इज़ यूज़फुल देन अदर वीडियो लाइट्स। और इन सब के साथ इस लाइट को माउंट करने के लिए और लाइट और माइक एक ही वक्त में माउंट करने के लिए मैंने एक छोटी सी चीज़ ऑर्डर की है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये एक ये मैं आपको अगेन कैमरा के ऊपर अगर माउंट करके दिखाता हूँ, ये ऐसे मैं इसको लगाऊंगा कैमरा के ऊपर, और ये यहाँ से टाइट करके, और मैं अभी एक ही वक्त में जैसे कि मैं माइक भी यूज़ करना चाहता हूँ और मैं लाइट भी यूज़ करना चाहता हूँ। लाइट को भी ऑन कर लेता हूँ। अब आप ये आपके जो शूटिंग एनवायरनमेंट है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आप जैसे किसी को फ्रंट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और इधर आप एक और स्क्रीन भी अटैच कर सकते हैं बाय द वे, आप अगर देखना चाहते हैं तो इसी के ऊपर। देखिए इट्स अप टू यू कि आप अपना किस तरह से रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट रखना चाहते हैं, स्टूडियो का कैमरा सेटअप रखना चाहते हैं।
तो अब ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करे कि अगर मैं कोई इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ या कोई पॉडकास्टिंग कर रहे हैं कुछ भी, तो मेरा माइक का सेटअप भी इसमें आ गया और लाइट भी इसके ऊपर आ गई है, तो ऑडियो और आपकी लाइटिंग और वीडियो के लिए आपके पास कैमरा अच्छा है, तो ये बड़ा एक परफेक्ट सेटअप बन सकता है। ये एक पावर स्ट्रिप मैंने ऐड की थी, बेसिकली आपकी एक्सटेंशन लीड जो होती है नॉर्मली उसी तरह की एक एक्सटेंशन लीड थी इसमें, जो मैंने अभी लगा ली हुई है। इसमें वाईफाई है, लाइक इसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके और इसकी एक जो सॉकेट वाली लाइन है उसमें से जो स्विच है वो अपने मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मज़ीद इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप इसको अलेक्सा डिवाइस के साथ पेयर करके और आप इसको ऑन ऑफ की कमांड्स दे सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अलेक्सा मेरे पास, ये अलेक्सा डिवाइस है, सॉरी ये इको डॉट 4 है, फोर्थ जनरेशन है, ये अमेज़ॉन की प्रोडक्ट है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने इन सारी चीज़ों के लिए। तो अभी जैसे कि मैं इसको अगर कमांड दूंगा कि अलेक्सा टर्न ऑन वूफर्स, ओके okay. तो अभी इसने जो मेरी सॉकेट है जिसमें वूफर्स लगे हुए हैं वो ऑन कर दिए। अभी अगर मुझे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ करनी है तो मैं इसको कमांड दूंगा, यहाँ से अपनी वॉइस कमांड दूंगा, अलेक्सा प्लीज़ टर्न ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। ओके तो अभी इसने मेरी कंप्यूटर स्क्रीन का जो सॉकेट है वहाँ से ऑफ कर दिए। तो अभी आपको एग्जैक्ट तो नज़र नहीं आएगा लेकिन ये वहाँ पे वो सॉकेट यूज़ हो रही नीचे मेरे जो वर्क स्टेशन है उसके एंड पे। तो दैट इज़, और ये एक छोटा सा मेरा गैजेट है, ये लैंप भी है और ये आपका वो भी है, इसमें ये म्यूज़िक के साथ भी सिंक हो जाता है और आप इसके ऊपर जैसे टैप करेंगे तो ये कलर भी चेंज करेगा, और अगर आप इसको स्टिल करना चाहते हैं, एक ही कलर करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर ऐसे टैप करेंगे फिर इसकी आप ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी मज़े की चीज़ है और ये आपको मतलब मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आप इस पर गाने भी सुन सकते हैं। तो ये था अभी तक कि जो मेरे गैजेट्स थे उनकी अनबॉक्सिंग और वो सारी चीज़ें, और ये प्रॉपर चीज़ें सेटअप करके और मज़ीद कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे लगा के, तो मैं अपना पूरा सेटअप टूर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, शुक्रिया।